सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम मी A1 और रेडमी नोट 4 मोबाइल की बैटरी इंडिकेटर को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखेंगे। दोस्तों देखिए, ये मेरे पास में मी A1 मोबाइल है। अब हम इस बैटरी इंडिकेटर को, ये देखिए, इस बैटरी इंडिकेटर को परसेंटेज में चेंज करना है मुझे, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। इसके लिए आपको ये सेटिंग बटन को होल्ड करना होगा। ये देखिए, जैसे ही ये आप इसे होल्ड करते हैं तो इस तरीके से आपको ये मैसेज आएगा, UI ट्यूनर इनेबल। अब आपको इसके UI ट्यूनर में जाना है। ये देखिए, यहाँ पे ये इसका सिस्टम UI ट्यूनर, ये अभी हमने सेटिंग के बटन को होल्ड करके इसे इनेबल किया है। आपको यहाँ पे इसे अंडरस्टूड बोलना है। अब यहाँ पे आपको इसके स्टेटस बार को ओपन करना है। अभी आपको यहाँ पे बैटरी को ओपन करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये ऑप्शन बता रहा है ऑलवेज शो परसेंटेज। अभी आपको इसे ओके बोलना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आपने इसे ऑलवेज शो इन परसेंटेज पे ओके बोला है तो आपकी बैटरी अब आपको परसेंटेज में दिखा रहा है। दोस्तों अब इसी सेटिंग को आप इस मोबाइल में, Redmi Note 4 मोबाइल में कैसे ओके कर सकते हैं और आपकी जो बैटरी ऐसे परसेंटेज में कैसे देख सकते हैं ये देखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन और स्टेटस बार, आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पे ये देखिए बैटरी इंडिकेटर, आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पे ये देखिए ग्राफिकल परसेंटेज टॉप बार, ये आपको तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी मैं ऐसे इसे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसे परसेंटेज सिलेक्ट किया है मेरी बैटरी परसेंटेज में दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप मी A1 मोबाइल में और Redmi Note 4 मोबाइल में आपकी बैटरी इंडिकेटर को परसेंटेज में इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।